हेलो फ्रेंड्स, अपना घर डिजाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम और प्लिंथ बीम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये है मेरे चैनल का नाम, अपना घर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं। ये जो आप एक डायरेक्शन देख रहे हैं, ये हमने बनाकर रखे हुए हैं। ये है कॉलम और ये है प्लिंथ बीम। ठीक है दोस्तों, कॉलम और प्लिंथ बीम हमारे मकान के लिए एक बहुत उपयोगी चीज होता है, जो कि अच्छे तरीके से बैठाया जाता है ताकि हमारा मकान मजबूत से मजबूत बने। इसमें कोई भी गलती होने की चांसेस हमारे मकान को कमजोर बना सकता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैसे देना होता है कॉलम। कॉलम आप देते समय ध्यान रखिए कि मेरे अपना घर जो बनाना है कितना फ्लोर का बनाना है। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 फ्लोर का एक मेजरमेंट करके रखा हुआ है, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं 2 से 3 फ्लोर के लिए मकान बनाना है तो हमारे पास ये जो दिख रहा है कलर, ये हमारा जमीन हुआ। जमीन के अंदर 5 फीट गड्ढा और 5 फीट मतलब 5x5 का स्क्वायर का हम गड्ढा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 फीट का एक जाली नीचे लगाते हैं, जिसको हम RCC करते हैं। RCC करने के लिए इसकी मोटाई रखिए आप 5 से 6 इंच। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर ये कॉलम है जो आकर के टिकेगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। कॉलम का सरिया आप लगाइएगा 12 mm, 12 mm सरिया, 4 सरिया लगाएं, जो कि 10x10 का कॉलम फाइनल बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो रिंग है, रिंग जो दिख रहा है, ये रिंग हमने रखा है 8 mm सरिया से। ठीक है दोस्तों, 8 mm का सरिया लगाइए रिंग के लिए, और प्रत्येक रिंग की बीच की दूरी रखिए 5 इंच। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिंग कैसे बनेगा। देखिए रिंग का पोजीशन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, 8 इंच इधर से 8 इंच इधर से, यानी कि स्क्वायर शेड का आप रिंग इसमें लगाएंगे। प्रत्येक 5-5 इंच की दूरी पर रिंग बांधेंगे और इसमें कंक्रीट कर देंगे। ये हो गया मेरा कॉलम पोजिशन। ठीक है, कंक्रीट करने के बाद कॉलम पोजिशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम, ये मिट्टी भरने के बाद जो जमीन की सतह दिख रहा है, इसके ऊपर हम लगाते हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम और कॉलम हमारे घर के लिए एक बहुत उपयोगी चीज होता है, इसी पे घर टिका हुआ होता है और घर की मजबूती इसी के माध्यम से लगता है। चलिए बात करते हैं प्लिंथ बीम, जो कि आप 12 mm की सरिया से इसको भी 4 सरिया देकर के बनाएंगे। ये भी 10x10 का ही प्लिंथ बीम फाइनल निकलेगा। इसमें भी आप जो रिंग लगाना है, इसमें 8 mm के सरिया से लगाएं। चलिए देखिए रिंग कैसे बनना है, 8 इंच इधर से और 8 इंच इधर से, 8x8 यानी 8x8 स्क्वायर का ही इसमें रिंग लगेगा। इसकी जो प्रत्येक रिंग की बीच की दूरी होगा 5 से 6 इंच इसमें रख सकते हैं, 5 से 6 इंच करके इसको कंक्रीट कर देंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया प्लिंथ बीम की मजबूती मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने डायरेक्शन बना रखा है 2 से 3 फ्लोर के लिए। इसी टाइप से आपको अगर 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर बनाना है तो इसकी गहराई थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और थोड़ा सा जो ये सरिया का मोटाई है, ये थोड़ा मोटा होगा। 16 mm 20 mm का लगा सकते हैं, ये भी थोड़ा बढ़ सकता है और इसकी दूरी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो कॉलम और प्लिंथ बीम के ऊपर। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप देखते रहें इस प्रकार के आने वाले कंस्ट्रक्शन लाइन का एक अच्छा सा अच्छा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।